नचे। इस लड़की को हमारे हवाले कर दे। नहीं नहीं, मुझे इनके हवाले मत करना, ये मुझे जान से मार देंगे, मुझे इनसे बचा लो। नच्ची, अगर तू इस मैटर में ना ही पड़े तो अच्छा होगा, चुपचाप इस लड़की को हमारे हवाले कर दे। ओए, मैटर क्या है? ओए भोसड़ी की नच्ची, तेरे ऐसे समझ में नहीं आ रही, तेरी बॉडी के फोर फिश कर गए, बैर में बेदमा 400 रुपए का झाटू। ज्यादा ने बोल लिया तू। अरे उसे छोड़, डर दे उसकी आंखों में, डर उसकी टांगे कपकप आ रही है। ओए क्या फालतू की बकचोदी करे जा रहे हो? ये रही लड़की, जो बात करनी है प्यार से कर लो ना, मैं भी यही खड़ा हूँ। ओए नच्ची, तू नच्ची है नच्ची बन के रह, सरपंच बनने की कोशिश मत कर, ना तो दो रैबिट इधर से और दो इधर से कबूतर बना दूंगा। ओए ये ऐसे नहीं मानेगा, मारो बहन के लड़के को। अगर किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो उसकी लाश मिलेगी, इंगे तिंगे पड़ा हुआ यही। अच्छा जी, एक दो, अब बता। ओए अब तक तो मजाक चल रही थी, लेकिन अब किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो लाश में जा दूंगा, कसम खा के कह रही हूं। ओए अबे बहन के भोसड़ो, इसके सामने थोड़ी सी तो बात रख लो, नहीं बात खराब कर रहा हो। चलो भाई चलो, पीछे को आओ, नच्ची भाई की बात खराब हो रही है। ओए देखी मेरी कितनी बात है मोहल्ले में। हाँ हाँ देखी, बहुत बात है तुम्हारी। ओए अब मुझे ये बता दो, तुम आखिर इतनी खूबसूरत लड़की को, क्यूट सी लड़की को मारने क्यों चाहते हो? ओए नच्चे, तुझे पता नहीं है ये लड़की कौन है? ये गैर मुल्की गैर जात की लड़की है, और तू भूल गया वो दिन इनकी जात वालों ने हमारे साथ क्या किया था? ओए अगर ये गैर मुल्की की गैर जात की है तो क्या हुआ? जान लेना जान देना ऊपर वाले के हाथ में है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। ओए वो नच्ची भोसड़ी के, तू ज्यादा ज्ञान मत दे। हम पहले इसकी दुग्गी पेटेंगे, फिर उसके बाद इसे जान से मारेंगे। ओए ये गुंडी गुंडी बात है, मेरे सामने मत करो। अगर इसकी कोई दुग्गी पीटेगा तो वो है नच्चे, और अगर इसकी कोई दूधिया दबागा तो वो भी है नच्चे, और जो सबसे पहले मरेगा वो है नच्चे। ओए नच्ची को मारना इतना आसान नहीं है, ये है 2.5 किलो का हाथ, जब किसी के पड़ता है तो उसकी मैं अछूत के हाथ मार जाती है, और ये है मजदूर का हाथ, लंड पकड़ के लंडो का आकार बदल लेता है। अब मैं अछूत के हाथ में लेनी है ये लंडो का आकार बदलना है, सोच लो। अभी नच्ची तो बहुत गुस्से में लग रही है, क्या करें चले? अबे यार मेरे लंड का कर थोड़ा टेढ़ा, नच्ची के मजदूर वाले हाथ से उसे सीधा ना कराई लूं। अब क्या कह रही है, बहुत बड़ी का बहुत सूर है, बहुत मारेगा वो। अबे तू इससे डर रहा है? हिम्मत से काम लो, हिम्मत से, इसकी तो 2 मिनट में मैं गाड़ फाड़ दूंगा, पैरों में माफिया मांगता फिरेगा ये। अबे ये बहुत जोशीला भाई, इसमें है सबसे ज्यादा गुस्सा, यही मार के आगा नच्ची को। जा बेटे पहले तू जा। अरे इसकी बहन नच्ची भाई, छोड़ दे यार, जल्दी हो गई आज के बाद, अपना घर में देखिए, छोड़ दे भाई, देखिए छोड़ दे यार। नच्ची बो तो तू आज हाथों में आया ना, तेरी हाँ में काट देता आज। अरे अम्मी बचा ले, देखिए देख लेंगे तुझे एक दिन, तेरी मौत का इंतजाम जरूर करेंगे। अरे बेगम, अरे चाय बना दो, चाय का मनोरिया है। दूध ना है, है? क्या कह रही हो? अरे दूध ना है, दूध। अरे सही से बोलो, आवाज ना आ रही। जंगली दूध ना है। अरे तेज बोल लो यार, आवाज ना आ रही मुझे। अबे दूध ना है, दूध। कान में लंड घुस रखा, तेरी माँ की चूत। बेगम नाराज क्यों हो रही हो? दूध ना तो छोड़ो फिर, कौन भोसड़ी का मांग रिया चाय? गंड मरे जब तक काली नहीं सुलते, तक चैन नहीं पड़ती है ना तुझे। पति ने मांगी चाय, पत्नी ने लिया दूध का बहाना, पति ने की गला घोट कर हत्या। पति कर रहा था जी अपनी पत्नी से चाय बनवाने के लिए, पत्नी को आया गुस्सा, नकली लेंट पे लगाया थूक और कूद दिया गंड में।
ये भी लिखा हुआ आ गया। हाँ? ये साले आजकल न्यूज वाले पता ना क्या क्या छाप रहे। जनाब सलाम। सलाम, बैठो। क्या खबर लाए हो, मिली मेरी लड़की या नहीं? जनाब बताऊंगा जब ही जब 500 रुपए दोगे। दो हजार का रखो तुम। जनाब अभी तो नहीं मिली है, लेकिन जैसी मिलेगी सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, चलिए। अस्सलाम वालेकुम। सुनो, मेरी लड़की ढूंढ के दे दो जल्द से जल्द, वरना तुम्हारी गांड फाड़ दूंगा मैं। जनाब हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है, आपकी लड़की जल्द से ढूंढ के लाकर देंगे। तब तक आप भाभी का ख्याल रखो। ठीक है भाभी, चल ले हूं। अस्सलाम वालेकुम। ओए ओए छोड़ ले मेरी टांग। ओए अरे हट, अरे छोड़ कर लो, अरे हटती को ना है, हट। अरे ना ना, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, मुझे ना बता कुछ भी, अपने साथ लेकर चलो मुझे। ओए मेरे साथ क्यों जाएगी, मैंने सिर्फ तेरी जान बचाई है। तू अब अपने घर जा और मुझे अपने घर जाने दे। छोड़ मुझे, बाबली हो गई क्या? इज्जतदार घर से हूँ, इज्जत खराब करेगी क्या मेरी? चल हट मिलन को। शादी करूंगा मैं, तूने सूरत देखी अपनी? एक मिनट रुक जा जरा भाई साहब। हेलो एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ भाई साहब, तू भी? अबे चपड़ा गंजू सूअर साले, तुझे बुला रही है भागुआ। हाँ भाई साहब, क्या कह रहा हो? ओए भाई साहब, जो पूछू ईमानदारी से बताना, ना इसकी तरफ बोलना और ना मेरी तरफ। पहले तुम इसकी सूरत देखो और बताओ ये शादी करने लायक है या नहीं। अरे भाई साहब सूरत तो दिखाओ। ओए ये सूरत ही तो है। अरे भाई साहब ये सूरत तोड़िए, ये तो गाल है। अमा भाई साहब ये सूरत ही है इसकी, सही से देखो तो पहले। एक मिनट एक मिनट, लग तो रही है ये आगे है, ये नागे, ये मुंह। ओह चल यकीन तो आया। अब भाई साहब ये बता दो इसकी सूरत देख के शादी करने लायक है या ना है? और सच बताऊं तो भाई साहब, इसकी सूरत देख के मेरा गणित तो ये कह रहा कि तुम्हारा खड़ा भी ना होगा, क्योंकि मैं हुआ खड़ा हुआ सेटिंग से सेक्सी सेक्सी बातें कर रहा, फुल तनाव में था मेरा, और मैंने इसकी जैसी सूरत देखी मेरा मुरझा गया। अब दोबारा से खड़ा करने के लिए मुझे सेक्सी पिक्चरें देखनी पड़ेंगी 50-60। ऐ तू, तेरी सूरत पे बहन की लोड़ी। ओए पड़ गए दिल को तसल्ली, सुन ली अपनी तारीफ? हाँ सुन ली, और मैंने सोच भी लिया। ओए क्या सोच लिया, घर जा रही है क्या तू? हाँ। ओ यस, तुम्हारे। ओए मेरी भी कान खोल के एक बात सुन ले अब तू, तू मेरे घर नहीं जाएगी, साफ बता रही हूँ। अब मैं चलता हूँ घर। अरे भाड़ो खड़ा ना होता के तेरा घर लेके जाने से कर रहा ना, मर देगा। तेरी बहन की कल्लो चोदू। पड़ गए दिल को तसल्ली, अब तो ना है मेरी मर्दानगी पे कोई शक तुझे? ना अब कोई शक ना, देख लिया मैंने तुझे, तू असली मर्द है असली। पंजाबी ओए ये भाई साहब कौन है? भाई साहब तुम अंदर हमारा MMS बना रहे थे क्या? ये तो गलत बात है, डिलीट करो यार। ओए ये 2.5 किलो का हाथ है और ये मजदूर का। अरे ये भाई साहब मेरा डायलॉग कॉपी को कर रहे हैं। करेगा ही। अरे ऐसे कैसे करेगा? आखिरकार औलाद है तुम्हारी तो तुम्हारा ही डायलॉग कॉपी करेगा। अंदर जो अभी तुमने मर्दानगी का सबूत दिया ना,
मम्मी बाबूजी। हाँ बेटे। ओए बाबूजी कहाँ थे तुम इतने दिनों से? ओए बेटी चोद, मैं तो तमाम सालों से यहीं हूँ, तू ये भी निकला बताइए। सॉरी बाबूजी सॉरी, तुम नहीं मैं ही तुम्हें इतने दिनों में मिला हूँ। ओए ओए बाबूजी, ये 2.5 किलो का हाथ है और ये मजदूर का। अबे हट तेरी माँ को जोड़ू। ओए बाबूजी चोद तो दिया, उसका ही तो नतीजा हूँ मैं। ओए कर लो समझा ले, पता नहीं क्या क्या करी आई। हाँ मैं क्या समझाऊँ, तुम्हारी तो औलाद है ये। ओए क्या सबूत है ये मेरी औलाद है? वेट बाबूजी, तुम्हें सबूत चाहिए ना? सबूत मैं देता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ बाबूजी याद आया, सातों को सात मारूंगा, एक साथ मारूंगा। इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अबे चल बे चल, मुझे यकीन ना है, ऐसे तो मेरे लाखों फैंस है, कोई मेरी आवाज निकल लेता। आया ना कहाँ आया साले। ओए अबे ये तो सच में मेरी लाल लग रही है, सेम टू सेम दौड़ ऐसी मारी है साले ने मेरे बेटा। ओए बाबूजी ये 2.5 किलो का हाथ है और ये मजदूर का, ये 2.5 किलो का हाथ है, ये मजदूर का, ये 2.5 किलो का हाथ है और ये मजदूर का। अरे हाँ हाँ भैया, मुझसे ऐसे थोड़े पता होगा तुझे। नची तेरे तो मैया छुत बात मुआ, तूने गलत आदमी से पंगा लिया। ओए बाबूजी, बाबूजी भूख लग रही है यार। ए भालू घर को भी लेके जा गए हैं, घुमाता रहेगा। ओए कान खोल के मेरी एक बात सुन ले, मैं तुझे अपने घर नहीं लेके जा सकता। क्यों मैं क्यों घर को क्यों नहीं लेके जा सकता? ओए तू मेरे बाप की हालत को जानते नहीं है, बहुत ही सुअर किस्म का आदमी है वो। ओए बाबूजी भूख लग रही है यार। अरे सुन, तेरा बाप मुझसे ज्यादा सुअर थोड़ा है, मुझे लेके चल उसके पास को, मैं देखूंगी इतना बड़ा सुअर है वो। कल्लो तू समझ नहीं रही। ओए मेरा बाप सुअर तो है ही है, साथ में कमीना भी है, मुझे तो मारेगा ही मारेगा, तुझे भी मारेगा और इसकी तो पता ना काल पाल भी मार दे वो। अरे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं देखूंगी तुम्हारे बाबूजी को, तुमसे आगे मैं खड़ी होंगी सीना तान के। ओए गल्लो मगर तेरा सीना तो है ही ना। अरे जो भी है जैसा भी है तो सीना ही, अब इसे गाड़ तो कंगना कि तुम्हारे बाबूजी के आगे मैं गाड़ तान के खड़ी हो जाऊंगी। अबे यार बाबूजी मुझे भूख लग रही है यार। अरे तुम चलो ना, क्या कर रहे हो, मुझे अपने घर लेके चलो। अरे यार कल्लो कैसे समझाऊं मैं तुझे। ओए बाबूजी क्या लंड कर रहा हो मेरा, 2.5 घंटे पे चिल्ला रही हूँ, भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, लेकिन नहीं, दोनों के दोनों साले अपनी बकचोदी में लगे पड़े, मेरे कोई सुनी नहीं रिया। ओए बाबूजी जब बस की नहीं है खिलाने की तो क्यों किया मुझे पैदा, क्यों बनाया मुझे, ताकि तुम मुझे आज भूखा रख सको। ओए जीत जीत के डायलॉग बोल लिया ये, इसके आगे का तो पूरा मैं करूंगा। काजल इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। ला 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 ला, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, काजल। तू घर जाना चाहती है ना, तुझे आज घर ही लेके चलता हूँ, चल। लो फिर इग्नोर कर दिया। ओए बस इससे 1 इंच छोटा होगा मेरा, ना तो चीखे तो मैं भी निकाल दूं, बस एक प्रॉब्लम दूर हो जावे, खड़ा होना और शुरू हो जावे बस। साला खड़ा कौन सी दवाई खाऊं। ओए बाबूजी पां। ओए बाबूजी ओए बाबूजी, बाबूजी इतना क्यों घबरा रहे हो, सेक्सी पिक्चर देख रहे थे क्या? ओए नहीं बे, मैं तेरी अम्मी से बात कर रहा था। मगर बाबूजी अम्मी को तो निपटे हुए 20 साल हो गए हैं। ओए तेरे जाने के बाद मैं क्या तेरी दूसरी अम्मी नहीं बना सकता? ओए खैर बाबूजी इन बातों पर मट्टी पाओ, अब हम वापस तुम्हारे पास रहने के लिए आ गए। ओए नच्ची हम कौन कौन? ओए बाबूजी मैं ये और ये बाबूजी। ओए इसकी बहन का लगूर जोदू टंगल लगी जरा। ओए अरे हुस हुस अबे हुस हुस अरे नची हट काट लगा यार ये हुस 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 अरे हुस अरे। ओए बाबूजी बाबूजी ये लगूर नहीं मेरी बीवी है। हैं ओए नची तू पागल है क्या, ऐसी की तुम्हें फ्री बना मारूं और तूने इसे बहू बना लिया। ओए बाबूजी
अब तो घर भी आ गया यार, भूख लग रही है बहुत तेज, खाने खिलवाओ यार। ओए थम जा थम जा। ओए ओए ओए, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस, कितना चिकना माल है इसकी बारे में आगा मजा में नहीं किया। ऑन हटिए जरा। ओए बाबूजी, अरे बचा लो मुझे, बचा लो। ओए बाबूजी डलने वाला, बचा लो, अरे मेरा लैंड करो। अगर तू 2 सेकंड और लेट होता तो ये कई दिन तक अपनी गाड़ ना धोता। ओए बाबूजी, बाबूजी इतने सालों के बाद अपने बीवी बच्चों के साथ मैं घर आया हूँ और तुम खातिरदारी करने के बजाय अपने पोते की गाल मार रहा हूँ। ओए क्या बोला तू, खातिरदारी? अबे सुकर कर मैंने इसकी गाल ना मारी। ओए बाबूजी, बाबूजी अब सारे गिले शिकवे दूर करो, मेरा और मेरी बीवी बच्चों का वेलकम करो और अपने साथ रहने दो। ओए ओए साले गंडी पखंडी, हाथी के भोसड़े, भोसड़े का हाथी, लंड का हाथी, हाथी का लंड। अगर तू मेरी औलाद न होता तो तुझे ऐसी ऐसी गालियां बकता साले। ओए ओए बाबूजी, मेरी बात तो सुनो। अबे चल भोसड़ी के, तेरी बात सुना है मेरा लंड। ओए बाबूजी, चीर दूंगा, पाड़ दूंगा, कांच पे बराम ला दूंगा बराम। ओए ओए बाबूजी, न्यू डायलॉग। हाँ बेटा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, कांच पर ला दूंगा। ओए चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, कांच पर ला दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, कांच पर ला दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, कांच पर ला दूंगा। ओए चुप, तेरी बाकी चुप। ठीक है बाबूजी। ओए बुड्ढे, बात सुन मेरी, समझ में ना आ रही तेरी? भाड़ू मेरा कसम है, तू प्यार से कह रहा, तेरा दिमाग हाथ में आ गया, तू जानता ना मुझे अभी। भाड़ू फिरने के लगा बाद में लौंडों से तक्कड़ मांगूंगी, तक्कड़ मांगूंगी, जिंदगी भर याद रखेगा। आई बस समझ में, जो मेरा खसम कह रहा है ना, चुपचाप बात मान ले इसकी और हम अपने घर में रहने दे। देखा ऐसे होती है बात, बुड्ढे की घोंगड तक पर पसीना आ गया होगा, अभी आके हाँ कहेगा। और टेंशन मत लियो, घर भी अपने नाम होगा, घर में रंगे नए वाले कमरे में, सच बात हुई उसे भी बुड्ढे के पैसे उड़वा दे पैसे, और पैसे भी तुम मुझे जानते हो क्यों ना, मैं कैशियर। ओए मेरी जान, मुझसे अच्छे से कौन जानेगा तुझे, तू तो मेरी गाल पे ऐसे पक गई जैसे जोक। ए देखे तुम भी कितने अच्छे मजाक करते हो। अरे मैया हड्डी तोड़ दी। ओए गल्लो, मैंने तुझसे बोला था ना मेरा बाप बहुत आरामी है, लेकिन तू नहीं मानी। अजी इसमें मेरी गलती नहीं है। ओए तूने बिल्कुल सही कहा, इसमें तेरी गलती नहीं है, तेरी सूरत ही बाबूजी को अंगूर की तरह लग रही थी। चल अब। अब कहाँ मिलेंगे, ये आधी दोपहर हो गई इन्हें ढूंढते ढूंढते। अरे साहब 2 मिनट थमते आओ, यहीं मिलेंगे तिंगे। साहब देखो बोल रहे, पकड़ो साहब, यही है, और कानून में जितनी भी धारा है सब लगा दो इस पे। और साहब मैं तो यूं कह रही हूँ, 5 मर्डर 10 चोरी मैंने की है, वो भी केस साले भी इस पे लगा दो। और साहब मेरी मानो ना, ये रही रस्सी, इसे साले नच्चू को यहीं फांसी लगा दो। ये साला पागल हो गया क्या, अभी ये कहाँ गया? हेलो सर, इधर इधर, ऊपर ऊपर। ये लो सर, मैंने फंदा भी रेडी कर दिया, बस आपकी खींचने की देर है। साला पागल हो गया क्या? अरे साहब सोच रहे हो, ये पकड़ो और फांसी दे दो साले को। और तेरी माँ की पुसी मारू, तेरी क्या दुश्मनी है इससे? ओए इंस्पेक्टर साहब, मुझे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है इससे अकेले में। हाँ हाँ कर लो बिल्कुल। मैं ना घर में अकेले अकेले में, जो करनी है कर ले। ओए 2 मिनट बात कर लेना यार अकेले में, तेरा क्या खिंच जाएगा? चल मैं ऐसे ना मारता हूँ जिसकी जाग छोड़े। चल बात था फिर, जो बात करनी है कर। अब तुझे भी यार क्या अकेले में बात करने की पड़ी है, यहीं कर लेना जो बात करनी है। ओए इंस्पेक्टर साहब, कुछ बातें ऐसी होती है जो सबके सामने नहीं की जाती, इसलिए तुम 2 मिनट के लिए मुझे अकेले में भेज दो इसके साथ, फिर जो तुम कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। ओए चल बे, कम गाड़ दे यहाँ से, 1 इंच हटूंगा। सुन लो तुम भी, सुन ले तू भी।
अच्छा जी, तो ऐसी बात है, ठीक है फिर। ओ हेलो, तुम दोनों मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। हाँ हाँ, तुम इनसे अकेले में बात कर लो, मगर मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो। हाँ भाई, तू अब अकेला हो गया, इससे अकेले में बात कर ले अब। ओए, अब जो हम दोनों में बात होगी, पुलिस वालों को इतनी सी भड़क नहीं होनी चाहिए, ना तो नन्हे नन्हे टुकड़े करके तेरे सुअर कुत्तों को खिला दूंगा। अब तू ये बता बहन के लड़े, इन लोगों को तू यहाँ पे क्यों लाया? क्यों लाया साले? नची देगी भैया, गलती हो गई, माफ कर दे। अरे अपने, ओए माफ कर दे। अरे भाई, अरे अरे अरे, कैसे चीख रिया, क्या हो गया? अरे साहब कुछ ना, कि मुझे जोक सुना रही है, मुझे इतनी हंसी आ रही है। बड़ा फनी आदमी है यार के। अच्छा अच्छा, चल ठीक है। देखिए नच्ची भैया, गलती हो गई, माफ कर दे। अब ना करूंगा। अरे भैया माफ कर दे, आज तो तू अपने रास्ते में, अपने रास्ते भैया छोड़ दे एक बार बस। अब कभी परेशान ना करूंगा, देखे रहने दे भैया। ये मैं तुझे सिर्फ लास्ट बार माफ कर रहा हूँ, आज के बाद गलती हो ना जा, चल निकल। ओए नच्ची, छोड़ मत तू यार, बिना साले तुझे कटवा के मानूंगा। रे तेरी बहन की। ओए बाबूजी, पुलिस वाले अम्मी को ले गए। ओए ओए बाबूजी, क्यों नाच रहे हो, आखिर किस बात की इतनी खुशी? ओए तेरी अम्मा से पीछे छूट गया मेरा, मैं तो ये सोच सोच के परेशान था, इससे पीछे कैसे छूटेगा, इसलिए नाच रहा हूँ मैं। ओए बाबूजी, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, कांच पे बांधवा दूंगा, मुझे मेरी अम्मी वापिस चाहिए। ओए, ये तो शीर सकता है जैसा गुस्सा, इसका पाड़ भी सकता और कांच पे भ्रम तो पड़ता सकती। ओए बेटा, मैं तेरी अम्मी को लेने जा रहा हूँ, तो तू जरा मेरे यही इंतजार कर। ओए भाऊजी, अम्मी को लेने मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ओए ओए, छोटे बच्चे मजूरी नहीं करते। ओए भाऊजी, अब मुझे मजूरी करने के लिए बड़ा होना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, तू वहाँ नहीं जा सकता, समझा कर, वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, तंग फसाद भी हो सकता है। ओए मैं तो जाऊंगा, मुझे ना पता, मैं तो जाऊंगा, मुझे ना पता, मैं तो जाऊंगा, मुझे ना पता, मैं तो अम्मी को साथ लेने जाऊंगा तुम्हारे, मुझे ना पता, लेके चलो, मैं मार दूंगा यहाँ पे, लेके चलो मुझे। ओए भाभी, तुमने मुझे मारा, अगर मेरी अम्मी होती तो आज मुझे पिटने न देती, तुम मुझसे प्यार ही न करते हो, मुझसे कोई प्यार न करता। ओए मेरे बेटे, चुप जा बेटा, संतरे वाली टॉफी खाएगा, जंगल को जाएगा, शेर पकड़ के लाएगा, डरेगा तो नहीं ना? जंगल को जावा है मेरे लैंड, मैं जाऊंगा अम्मी के पास। ओए ओए, इससे अच्छी तो बात ही नहीं है, आपने लैंड को जंगल में भेजा तो उससे कह दिया उधर से उधर तेरी अम्मी को भी लिया, हम चलना घर को। ओए ओए भाऊजी, ये बच्चों वाली हरकत बंद करो। ओए, और मुझे मेरी अम्मी के पास लेके चलो जल्दी से, वरना चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, कांच पे परम ला दूंगा। ओए ओए बेटा, तेरी अम्मी यहाँ कहीं आस पास नहीं है, अब तक वो अपने मुल्क पहुंच गई होगी, और उसका मुल्क यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए तो मेरी गैल नहीं जा पाएगा। बाबूजी, अगर मुझे अपनी अम्मी से मिलने के लिए सात समुंदर पार भी करना पड़े ना, तो मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। ओए, तेरी माँ की मुठ मारू, मुझे और हो ना, अपनी माँ को गए हो, अब मैं नहीं, तू मुझे लेकर जाएगा, चल भोगेगा आगे को। उड़ जा काले कावा, तेरे खूह विच लंड पावा, ले जा तू लंड पूरा मेरा, मैं जड़ के जावा, जाटो मैं फिर गाटा, पड़ गई पक गई दुधिया चुचिया, एक छोटे से छेद के पीछे है पागल दुनिया, कर आजा बहन की लोहड़ी, तेरे बिना मुट्ठी लगदी, ओ घर आजा बहन की लोहड़ी, के तेरे बिना मुट्ठी लगदी।
जम जम करता आया मौसम डुबकी लेने का रस्ते पे अखियां सपना देखे रशियन दुखियों का सारी सारी रात हिलवाए मुझसे तेरी की बातें तो घर आजा बैंक लोड़ी के तेरे बिना मुट्ठे लगती तो घर आजा बैंक लोड़ी के तेरे बिना मुट्ठे लगती तो घर आजा बैंक लोड़ी के तेरे बिना मुट्ठे लगती तो घर आजा बैंक लोड़ी के तेरे बिना मुट्ठे लगती ओए बुरी नच्ची कभी इसके औलाद तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की देखो भाई साहब तुम्हारे घर में कदम मैंने ऐसा रखा ऐसे ऐसे समझ गए भाई साहब कैसे हिम्मत हुई तुम्हारे घर में आने की कैसे कदम रखे मैंने हाँ भाई साहब समझ गया बहुत अच्छे से समझ गया ओए तो आओ फिर अंदर भाई साहब मैं समझ गया ये यहां तक आया अपने पैरों से तू अपने पैरों से यहां तक आ तो गया है पर इन पैरों से जा नहीं पाएगा तूने शेर के मुंह में हाथ डाला है शेर के ओए हम तो दे दे शेर के मुंह में लैंड तू हाथ की बात कर रही है लगता है तुझे मौत से डर नहीं लगता ओए ये 2.5 किलो का हाथ है और ये मजदूर का अगर मुझे मौत से डर लगता तो तेरे मुल्क नहीं आता मैं नच्ची मुझे ओए, भूरी को भूल जा और तू मेरा लंड पकड़ के झूल जा ओए, बकवास बंद कर सीधा साउंड कम कर जो भी किया छोड़े मैंने किया तुझे डंप पर तेरे चलते ट्रक तो तुमने चलते डंप पर तेरी माँ की चूत ओए बाबूजी बाबूजी मैं अपने प्यार को लेने आया हूँ यहाँ से अपने बच्चे की माँ को लेने आया हूँ मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता मुझे और भूरी को यहाँ से जाने दो और अपना आशीर्वाद दो फिर मैं चलता बनू ओए नच्ची तेरे पास मोबाइल है देख मैसेज आया होगा ओए तेरी बहन की चूत ओए अंकल जी थोड़ा दिमाग थोड़ा गोटे में चेकिया कुड़ी कहनी थी वो मैंने प्यार कर दी मैं कहता वो मेरे लिए सब कुछ है ये बर्ताव है थोड़ा मेरे नाल आई एम अ ब्लडी हस्बैंड कोई रोड साइड रोमियो नहीं हूं मैं अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाली बीवी के बारे में ऐसी बात कहने की रुक जाइए खुदा के वास्ते रुक जाइए आप दोनों हैवान हो गए हैं क्या मसले को बातचीत से भी निपटाया जा सकता है बातचीत से मसला नहीं निपट सकता ये लोग बातचीत करने के लायक नहीं है अशरफ अली तुम 2 मिनट मेरे साथ आओ तुमसे कुछ गुफ्तगु करनी है ओए बाबूजी तुमने तो यार मजा खड़ा कर दिया सबकी फटके हाथ मांग गई ओए अब इसे कैसे समझाऊं फटके हाथ में तो मेरी आ गई थी ठीक है जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं शर्त वर्त लगाने का कोई हिसाब ना भाई है पैसे ना लाया हूँ मैं अरे भाई पैसों वाली शर्त नहीं ओए तो फिर कौन सी बात वाली शर्त ओए तो ठीक है ना फिर
हर शर्त मंजूर है मुझे घूरी के लिए। बताओ क्या करना होगा? पहली शर्त ये, तुम्हें हमारा धर्म कबूल करना होगा। ठीक है, तो फिर बोलो तुम्हें हमारा धर्म कबूल है? ओए, ये इतनी कल्लो है, इससे कोई शादी भी नहीं करेगा। इसे मैं फिर भी मेरा देश के लेकर जा रही हूँ, तुम लोगों को मेरा एहसान मानना चाहिए। तुम्हें हमारा धर्म कबूल है? ये मेरे बाबूजी को लंगूर की तरह लगती है, लेकिन फिर भी मुझे पसंद है। अबे तुम लोगों के दिमाग हाथ में ना रहा है। तुम्हें हमारा धर्म कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है। मुबारक हो जी, मुबारक हो, मुबारक हो। एक मिनट, अगर तुम्हें हमारा धर्म कबूल है तो कहो हमारा धर्म जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 धर्म जिंदाबाद, तुम्हारा धर्म जिंदाबाद। अब कहो हमारा मुल्क जिंदाबाद, हमारा मुल्क जिंदाबाद, 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 तुम्हारा मुल्क जिंदाबाद। अब बोलो तुम्हारा मुल्क मुर्दाबाद। तेरी बहन की पूजी मारूं, तुम्हारा मुल्क जिंदाबाद है हमारे लैंड से, लेकिन हमारा मुल्क जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। हमारा मुल्क जिंदाबाद, हमारा मुल्क जिंदाबाद, हमारा मुल्क जिंदाबाद। जब तक तू ये नहीं बोलेगा तुम्हारा मुल्क मुर्दाबाद, तब तक तू भूरी को यहाँ से नहीं लेके जा सकता। ओए, भूरी की बना बत्ती और अपनी गाड़ में घुस ले। ओए भाऊजी, अम्मी के बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ओए, तो तू भी अपने दुखी अभी यही बिठवा। भाऊजी, भाऊजी, ओए भाऊजी, अरे भाऊजी सुन लो यार, ओए ओए भाऊजी आ जाओ। अगर हमारे मुल्क में बात आई तो ऐसी ऐसी 50 भूरियां कुर्बान है, मुल्क मुर्दाबाद कलवाएंगे साले। भाऊजी, ओए भाऊजी, ओए भाऊजी, भाऊजी मम्मी को ले आया। ओए ओए, अशरफ अली ने इतनी आसानी से कैसे भेज दिया इसे? अम्मी आ गई, बात खत्म, घर को चलो यार। आखिर तू इसे वहां से कैसे लाया मुझे बता दो कम से कम। भाऊजी कुछ बोलना पड़ा था यार, मैंने बोल दिया और अम्मी को अपने साथ ले आया। ओए, ऐसा तूने वहां पे क्या बोला जो अशरफ अली ने इसे भेज दिया? कुछ नहीं बाबूजी, अम्मी आ गई, बात खत्म करो यार। ओए, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, कांच पे भरम ला दूंगा, वरना बता दे मुझे। ओए बाबूजी, मैंने बोल दिया यार। क्या बोल दिया? यही कि हमारा मुल्क मुर्दाबाद। ओए, तेरी माँ की पुर मारू। बस ठीक है, चल भाग लेगी कल। हमारा मुल्क जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद ही रहेगा, ये बात अपने कानों में टूट टूट के भर ले। मारो इसे। ओए, तुम मुझे कितने ही मार लो, लेकिन हमारा मुल्क जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद ही रहेगा।